अगर तुम में से किसी को अपने बीवी के बारे में बदतमीजी का खदशा है, देख रहा मेरी बीवी बदतमीज है, शोहर की बात नहीं मानती, शोहर से इराज करती है, बदतमीजी करती है, या कोई ऐसा किसी बीवी ऐसी है, अल्लाह फरमाता है फाएजूहुन्ना, पहला काम ये करो, नसीहत करो। अगर किसी की बीवी बदतमीज है, ऐसा नहीं है कह खाना पकाया नमक ज्यादा कर तू ज्यादा अलग, अच्छा नहीं, ये कोई बात नहीं है, खाना नमक में ज्यादा होना कम होना इंसान में होता रहता है, कोई बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि जिसको अपनी बीवी के बारे में यह खस्ता है, ये डर हो रहा है कि बीवी मेरी बदतमीज है, वो बीवी शोहर की बात नहीं, अल्लाह फरमाता है फएजूहुन्ना, पहला काम ये करो बीवी को समझाओ कुरान की रोशनी में, हदीस को समझाओ कि शोहर का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, अब तुम ऐसा काम कर रही हो ये काम मत करो, पहला काम ही करना है। अगर समझ गई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपनी समझ आएगी। अगर समझाने से बात समझ में नहीं आएगी, अल्लाह फरमाता है फिर उसका जो है उसे अलग कर दो, अल्लाह फरमाता है अगर कि पहला काम आपने किया समझाया, बीवी समझ गई कोई बात नहीं, समझी तो गलत अल्लाह फरमाता है उसके भीतर को अलग कर दो, लेकिन बाहर नहीं बिल्कुल अंदर ही, रूम के अंदर ही, बल्कि एक ही बिस्तर दोस्त हो तबचित कर लो, उससे बात बंद कर दो, उस दिन ये काम करो। अगर बीवी हसास होगी, अकलमंद होगी तो फौरन जो है अपनी गलती शर्मिंदा होगी, अशोक को बनाएगी मनाएगी, अगर ऐसा करती है तो बात नहीं है, अगर मान लेती है, अल्लाह बता है कि अपने कमरे के अंदर ही, रूम के अंदर ही गुस्सा अलग कर दो। अगर इस पर भी वो बात नहीं मानती, कुछ दिन आपने ये काम किया, गुस्सा अलग कर दिया, बीवी से बातचीत बंद कर दी, फिर भी बीवी रास्ते पर नहीं आ रही है, अल्लाह मार रहा है, उसे मारो, फज़ेबूहुन्ना, उसे मारो। अलग ये माते हैं कि हल्की मार मारना, लाठी से नहीं मारना, पैरों से मत मारना, हल्की मार मारो। अगर बीवी गैरतमंद होगी, हसास होगी, जब उसे मारेंगे एहसास होगा, अब फिर जो है वो अपनी गलती को, जो गलतियां हैं, जो शोहर की बात नहीं मानती है, दूर करेगी। ये तीन मरहले हैं, तीन मरहले अपनाने के बाद भी अगर बात नहीं बन रही है, अगर यहाँ बात बन गई, तीन मरहले अपनाए, बीवी ने शोहर की बात मान ली, रात की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तीनों काम आपने कर लिया है, तीनों में सूद रहा, तीनों फायदेमंद रहा, अल्लाह फरमाता है कि फाबातु हकम मिन अहलिही हकम मिन अहलिहा, अल्लाह कह रहा है। चौथा स्टेप है इसका, चौथा स्टेप इसका ये है कि कुछ आदमी को शोहर की तरफ से उस आदमी को बीवी से बुलाओ, वो दोस्तों समझाए, वो दोस्तों को दोनों मिलाने की कोशिश करे, दोनों को मिलाने की कोशिश करे, दोनों को बताए कि शोहर बताए बीवी का मकाम, बीवी बताए शोहर मकाम। अगर ऐसा अल्लाह माता है कि अल्लाह माता है कि अगर दोनों मुस्लिम दोनों खैरखा होंगे इंशाल्लाह बात बन जाए। दोनों जो हकम आए हैं, कुछ लड़के कुछ जो है लड़की की तरफ से लगत आए हैं, दोनों मुखलिस तो बात बन जाएगी, बन जाएगी। अगर चार अब स्टेप अपना अपनाया है, फिर भी बात नहीं बन रही है, अभी भी शोहर अपनी जिद पर है, बीवी जिद पर है, तलाक आगे फरमा रहा है, अल्लाह भी फरमा रहे हैं तलाक दो बीवी को उस तुहर में जिसमें बीवी नहीं मिलो, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं, इस्लाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तलाक बीवी उस तुहर में जो जिसमें बीवी नहीं मिलो, मतलब एक औरत नापाक होती है, एमसीज होती है, उसके बाद जब पाक होती है, पाकी जो हुई है एमसी के बाद जो पाक हुई है, उस पाक से बीवी नहीं मिले हैं, बीवी करीब नहीं हुए हैं, अब बीवी करीब हो तो तलाक नहीं दीजिए, ये मैंने अलग नहीं भरा रहे हैं कि बीवी को तोहर में तलाक दो से बीवी से नहीं मिले हो, अंदाजा कीजिए ये इस्लाम वक्त क्यों बढ़ रहा है, तलाक तलाक नौबत नहीं आए, लोगों को सोचने का मौका मिले, लोग समझने का मौका मिले, इस्लाम वक्त बढ़ रहा है, ये इस्लाम वक्त ये देर से दे रहा है कि लोग सोचने का मौका मिले, लोग गौर करें, ताकि ऐसा नहीं हो कि उसे तलाक दे दे और फिर एक महीने बाद चाहे तो बीवी को दोबारा करना चाह रहा है, क्या करना, हलाला करना होगा, मुझे हलाला करना है, हलाला क्या है, एक रात में शादी किया जाता है एक रात के लिए,
कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी वो शोहर कितना बेगैरत है तो अपनी बीवी को अगर भेजता है एक दिन के लिए। ये हलाला निकाह तो है ही नहीं है। निकाह के अंदर क्या होता है, मोहर हुआ करता है। निकाह में क्या होता है, ऐलान होता है। निकाह वलीमा होता है, ये हलाला में क्यों नहीं होती है। निकाह हलाला में न मोहर होता है न ऐलान होता है और न उससे वलीमा होता है, जो सेना की तरह वाजिब है। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम ने महरे को कहा काम किए कि ताकि जो है लोग सोचने का मौका मिले, ताकि बाद में पछताने का जो हलाले का नबक नहीं आए। इस्लाम ये नहीं कह रहा है, इस्लाम कहता है उस तलाक दो बीवी से नहीं मिले हो, अगर बीवी से मिल लिया है फिर जो है जाय करो और फिर नापाक होगी, फिर पाक होगी, फिर तलाक देना है। फिर कहा इस्लाम का एक ही तलाक दो, तलाक एक ही तलाक दो, तीन तलाक मत दो, एक ही दो, ताकि अब फिर उस वक्त तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में रहेगी, बाहर ही रहेगी। फिर अगर फिर महीना गुजर गया अभी बीवी से नहीं मिले, फिर और नापाक हुई, फिर पाक हो रही है, फिर तलाक दो। ये इस्लाम तरीका बता रहा है ताकि ये तलाक की नौबत नहीं आए, और आए तो आखिरी महीने में आए, लोगों को बहुत सोचने का मौका हो, उस महीने का मौका हो, उसके बाद जो तलाक होगी तो दायमी होगी, वो मसला खत्म हो जाए। लेकिन हमारे जो हुआ करता है अजीम मसला है, लोग उससे आते हैं तलाक देते हैं, इस तरह से मामला खराब होता है, बाद फिर दोबारा जो है इलाज के लिए शादी करते हैं, यही मसला है। तो मैं ये कह रहा था, बात उसी बात आ गई, मैं कहता कि इमाम मालिक के साथ ज्यादती की गई, इमाम मालिक ने इमाम जुल्म व ज्यादती को सहा इसलिए उन्होंने चाहा कि हक मगलूब नहीं हो, जो चीज़ हक है वो साबित हो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से हमें प्यार है, हमें चाहिए तो वो तमाम वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने वाला है वो काम करें, वो तमाम